Hey, what's up guys, Manit Kohli here and welcome back to a new video. तो यार आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बोटरॉकस 550 वर्सेस फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स। काफी ज्यादा डिमांड रहती है तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दो जिनके भी डाउट्स हैं सॉल्व हो जाएंगे। सारी प्राइसिंग से लेकर सारे हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल एलाबोरेट करके अच्छे से डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो के अंदर मूव करते हैं। अगर उससे पहले कोई भी डाउट रह जाए आपका वीडियो में ना, तो एंड में मतलब कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और बाई चांस अगर एक दो कमेंट छूट जाते हैं कभी कभार, अगर ना रिप्लाई कर पाऊं तो आपको इंस्टा आईडी मैंने यहाँ मेंशन कर दी होगी, वहां पे आओ फॉलो करो, जो डाउट है वो पूछो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा ढंग से, बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो के अंदर मूव करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है प्राइसिंग। अगर हम दोनों हेडफोन्स की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको बोटरॉकस देखने को मिल जाता है 2000 रुपए का, टू बी मोर प्रिसाइज 1999 का। और अगर हम बात करें फास्टैग रिफ्लेक्स ट्यून की तो वो आपको देखने को मिल जाता है 2695 का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2700 रुपीज का। तो 700 रुपीज का एक वास्ट डिफरेंस है जो कि एक अच्छा खासा डिफरेंस होता है। लेकिन लोग क्या होते हैं, विलिंग हो जाते हैं कि अगर डिफरेंस 700 रुपए का है तो हम ले सकते हैं, ले लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ले लेते हैं, तो उनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जानना कि यार क्या उन्हें वो 700 रुपीज वर्थ इट है, क्या उन्हें लेना चाहिए या फिर उन्हें बोटरॉकस ही लेनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर है 550 जो है। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्राइसिंग के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और जिससे हम शुरू भी करते हैं हमेशा, साउंड। तो अगर हम साउंड की यहाँ पे बात करते हैं, बोटरॉकस 550 की साउंड की मैं बहुत तारीफ ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में और वो बिल्कुल भी बायस नहीं है यार। वो आपने देखा होगा, जो इतने सारे बोटरॉकस यूजर्स हैं उन्होंने लिटरली देखा होगा कि क्या साउंड है, कितनी ऑसम साउंड है। अब तो ऐसा शायद कोई बचा भी नहीं जिसने बोटरॉकस 550 यूज ना किया हो। तो यार अगर बोटरॉकस 550 की मैं बात करूँ तो वहां पे आपको 50 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, इमर्सिव साउंड देखने को मिल जाती है और फिजिकल नॉइज आइसोलेशन देखने को मिल जाती है। अब ये सारे फीचर्स यार टेक्निकल टर्म्स में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बताओ तो फिजिकल नॉइज आइसोलेशन जो है अच्छी है, बट सिर्फ एक वो फीचर है जो मेरे को नॉट अप टू द मार्क लगा। बाकी सारे जो फीचर्स बताए हैं भाई साहब वो बहुत ऑसम है। मतलब बोट की जो साउंड है, बोटरॉकस 550 की, वो लाउड है, बहुत ही क्रिस्प बेस आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं। साउंड मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई। अगर हम बात करें फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स की तो साउंड उसकी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे आपको नॉइज आइसोलेशन का, फिजिकल नॉइज आइसोलेशन का कोई फीचर देखने को नहीं मिलता। दोनों हेडफोन्स ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं। बाकी अगर मैं साउंड का कंपैरिजन करूँ तो वहाँ पे भी ये मेंशन है कि अनफोल्ड ब्रिलियंट साउंड एस्केप्स, तो यार ये सब उन्होंने भी मेंशन करा, लेकिन यार ये टेक्निकल टर्म्स, ये सब जो ये मोटोस दिखते हैं ये कोई मायने नहीं रखता। रियल लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं तो साउंड उसकी भी बहुत क्लियर है, लेकिन अगर लाउडनेस की बात आए, बेस की बात आए, तो वहाँ पे बोटरॉकस 550 जीत रहा है। और अगर मिड्स एंड लोस की बात आए तो वहाँ पे फास्ट ट्रैक की साउंड मेरे को थोड़ी सी बेटर लगी। तो ये बिल्कुल क्लियर, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, जिसको लाउडनेस, जिसको पावर चाहिए वो 550 की तरफ जाए, जिसको मतलब यार क्लियरिटी भी है 550 में। मेरे ख्याल से आपको ऑल ओवर जो मैं कंक्लूजन बताऊंगा ना साउंड में, तो 550 मेरे को शायद 0.5 या 1 से बेटर ही लगा 700 रुपए सस्ता होने के बाद। तो ये यार यहाँ पे 550 मेरी तरफ से जीतता है। तो साउंड के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बैटरी। अगर हम बैटरी की यहाँ पे बात करें तो यार यहाँ पे आपको बोटरॉकस 550 में देखने को मिल जाती है 20 घंटे का म्यूजिक प्ले टाइम एट 75% वॉल्यूम, और अगर आप इसे 100 पे पुश करोगे तो आपको 17-18 आवर्स ऑफ म्यूजिक प्ले टाइम देखने को मिल जाता है, तो जो कि काफी बढ़िया अच्छा है। आजकल के टाइम पे वैसे मैं एक्सपेक्ट करता कि थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता था, काफी हेडफोन्स में आजकल इससे ज्यादा आ रहा है इस प्राइस रेंज में, तो लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम बात करें फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स की तो यार वहां पे आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग 14 आवर्स ऑफ म्यूजिक प्ले टाइम एट 75% वॉल्यूम, और अगर आप उसे 100 पे पुश करोगे तो आपको देखने को मिलता है 12-13 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम। अब यार ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे लोग अपने हेडफोन्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, काफी यूज कर रहे हैं, गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो यार 6-7-8 घंटे तो लोगों के हेडफोन्स यूज हो रहे हैं आजकल। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यार मेरे ख्याल से बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत हैवी यूजर्स हैं वो बिल्कुल ना लें फास्ट ट्रैक 2700 रुपए, मतलब 2700 रुपीज खर्चने का कोई भी वर्थ इट नहीं है बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार यहाँ पे बोटरॉकस 550 बहुत ही क्लियर विनर है और आपको बोटरॉकस 550 की तरफ ही जाना चाहिए अगर आपका बैटरी एक पर्सपेक्टिव है। तो साउंड हो गई, बैटरी हो गई, साउंड में मेरे को हल्का सा बोटरॉकस 550 बेटर लगा था जरा सा, मिड्स और लोज मेरे को फास्ट ट्रैक के अच्छे लगे थे, लेकिन लाउडनेस एंड बेस 550 का, तो आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा पसंद है। बाकी बैटरी में तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको बैटरी चाहिए तो 700 रुपए मत खर्चना बिल्कुल भी, और आजकल के टाइम पे सबको बैटरी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बैटरी के लिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब यार डिजाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं डिजाइन में बताऊं तो बोट रॉकर 550 का डिजाइन जो है वो मेरे को स्टार्टिंग से बहुत पसंद है। डुअल टोन कलर्स में आता है और आजकल तो बहुत ही ज्यादा नए नए फंकी कलर के शेड्स में भी आने लगे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा कहीं, तो बहुत ही बढ़िया ये चीज मेरे को लगी कि बहुत अच्छा टी-शर्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो उन्हें पसंद आते हैं वो चूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स की, तो यार उनका जो डिजाइन है बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बहुत अच्छा डिजाइन है उनका भी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे को दोनों ही डिजाइन अपनी अपनी जगह अपने अपने उसमें अच्छे लगे, कंपेरिजन नहीं कर सकते। बोट रॉकर थोड़ा एग्रेसिव लुक में है, वो थोड़ा मिनिमल लुक में, दोनों ही बहुत अच्छे डिजाइन है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये अच्छा, वो थोड़ा बायस हो जाएगा अगर मैं किसी को बोलूंगा, तो वो आपकी चॉइस है कि कौन सा आपको पसंद है, कौन सा स्टाइल आपको चाहिए। आपको एग्रेसिव डुअल टोन और इन सब में चाहिए या फिर आपको मिनिमल सिंपल लुकिंग अच्छे लगते हैं, तो आप दोनों देख सकते हैं। तो इसी के साथ डिजाइन के लिए बस इतना ही। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी में क्लियर विनर हो जाता है फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स। बोट रॉकर 550 की ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है क्योंकि रफ यूजर्स के लिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल निकालते या करते टूट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा है। बट उसका जो हिंज है ना वो थोड़ा सा कमजोर है, जो उसका प्लास्टिक हिंज है जो आपको कंफर्ट के लिए दिया गया वो मैं डिस्कस करूंगा आगे, बट वो हिंज जो है उसे थोड़ा कमजोर बना देता है। फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स क्लियर विनर है। तो इसी के साथ डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी के बस इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कंफर्ट। अगर हम कंफर्ट की यहाँ पे बात करें तो यार दोनों ही हेडफोन कंफर्टेबल हैं, दोनों अपनी अपनी जगह कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर हम बात करें बोट रॉकर 550 की, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं वो हिंजेस जो शायद ड्यूरेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं, बट यहाँ पे आपके लिए वो बहुत ही अच्छा कंफर्ट देंगे। आप बोट रॉकर 550 को अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स से 3 आवर्स तक लगातार पहन सकते हो, जो कि अच्छी चीज है क्योंकि बहुत सारे आप हेडफोन्स में देखोगे, इनफैक्ट आप रिफ्लेक्ट ट्यून्स में भी देखोगे, रिफ्लेक्स ट्यून्स में जो कि फास्ट ट्रैक के हैं उसमें भी आप देखोगे कि यार जिसके भी इयर्स बड़े हैं ना तो वो पेन करेंगे। आप उसमें 2 से 2.5 घंटा ही पहन पाओगे, तो यहाँ पे एक घंटे का आधे घंटे का फर्क आ जाता है। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी क्योंकि हमारा यहाँ पे बोट रॉकर 550 का जो प्राइस है ना वो कम है, तो यार कम प्राइस में ज्यादा चीज ऑफर कर रहा है बोट रॉकर 550, तो यहाँ पे भी कंफर्ट में मेरे ख्याल से बोट रॉकर 550 जीतता है। बाकी अगर मैं इन दोनों का आपको वेट बताऊं तो फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स आपको देखने को मिल जाता है 214 ग्राम का और बोट रॉकर 550 आपको देखने को मिल जाता है 245 ग्राम का। तो यहाँ पे हल्का सा फर्क है, बोट रॉकर 550 इज हैवी बट ओनली बिकॉज ऑफ जो हिंजेस हमें प्रोवाइड हुए हैं उसकी वजह से वो कंफर्ट फिर भी ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो यार इस पॉइंट के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कनेक्टिविटी। अगर हम कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात करें तो यार आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है दोनों हेडफोन्स में, बोट रॉकर 550 में भी और फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स में भी, दोनों में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी के ऐसा इश्यूज आपको दोनों में नहीं आएंगे और दोनों की यार मैंने ऐसे तो नापा नहीं कि बिल्कुल ही डिफरेंस हो, लेकिन दोनों की कनेक्टिविटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है। तो इसी के साथ कनेक्टिविटी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एक्स्ट्रा फीचर्स। अब दोनों के एक्स्ट्रा फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो यार बोट रॉकर 550 के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर अप हो चुके हैं। अब थोड़ी बहुत और जो हम बात करेंगे वो है ऑक्स और माइक की, दोनों हेडफोन्स दोनों के ऑक्स और माइक जो है दोनों के अच्छे हैं और यहाँ पे फास्ट ट्रैक का जो कनेक्टिविटी और जो क्वालिटी आपको ऑक्स में देखने को मिलेगी वो बेटर है बोट रॉकर 550 से। तो अगर आपको माइक एंड ऑक्स चाहिए पर्सनली, मतलब माइक तो मैं इतना नहीं बोलूंगा, माइक में इतना फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑक्स चाहिए, ऑक्स आप बहुत यूज करते हो, तो उसके लिए मेरे ख्याल से वो आपके लिए जो अच्छी चॉइस होनी चाहिए वो है फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स। बाकी अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको एक और बढ़िया फीचर देखने को मिल रहा है फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स में, जो कि IPX4 वाटर रेटिंग। तो अगर ड्रिजलिंग में आपका, मतलब ड्रिजलिंग में हो रही है हल्की फुल्की या फिर हल्का फुल्का पानी स्प्लैश हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में आपको 12 महीने की वारंटी देखने को मिल जाती है दोनों हेडफोन्स में, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यही सब छोटी मोटी चीजें हैं, तो ये यहाँ पे ब्रांड की वजह से बस फास्ट ट्रैक थोड़ा सा बच रहा है। बाकी तो अगर हम हेडफोन टिपिकल हेडफोन्स की बात करें तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आपको बोट रॉकर 550 ही लेने चाहिए, तो मेरा कंक्लूजन यही है। बाकी मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए, अगर कोई फीचर्स मिस हो गया हो या फिर कोई चीज ना बताई हो, किसी चीज में आपको डाउट लग रहा हो, तो आप नीचे कमेंट करो, मेरे से पूछो, मैं आपको बता दूंगा क्लियर कट सब कुछ, इन्फॉर्मेशन सब दे दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे नहीं रिप्लाई कर पाता कमेंट सेक्शन में, तो यहाँ पे इंस्टा आईडी मैंने मेंशन कर दी होगी, आओ इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको डीएम करो, फॉलो करो, सब करो और मैं आपको बता दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को करते हैं एंड, नेक्स्ट वीडियो की भी प्रिपरेशन करेंगे। तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को और इसी के साथ सपोर्ट करते रहो। सो मंथ कॉल हियर एंड साइनिंग आउट।